आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त खबर मथुरा के जमुना पार क्षेत्र से, जहां से एक महिला को क्वारंटीन के लिए वृंदावन ले जाया गया है। ये महिला आगरा के एक हॉस्पिटल में कार्यरत बताई गई है और ये महिला कोरोना पॉजिटिव आई बताई गई है। और अधिक जानकारी हमारे साथी हमें दे रहे हैं जो फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं, ललित उपाध्याय जी। ललित जी, क्या जानकारी है आपके पास इस कोरोना की? सर ये यमुना पार के क्षेत्र में तैयापुर गांव है, उसमें हाइब्रिड पब्लिक स्कूल के सामने एक परिवार रहता है। जो परिवार की एक महिला आगरा रेनबो हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जहां उनकी तबीयत खराब होने पर वो अपने घर पे आ गई थी यहाँ मथुरा। तो तबीयत खराब होने के बाद उनकी जो आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई थी यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है उन्हें ले जा करके वृंदावन क्वारंटाइन कर दिया है और परिवार के सभी सदस्यों को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया है। क्षेत्र के 250 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है। क्षेत्र के 250 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है जी। 250 मीटर 250 मीटर, अच्छा 250 मीटर। और क्षेत्रीय लोगों का क्या इस संबंध में कहना करना है? कुछ और लोगों से बात हुई आपकी? स्वास्थ्य विभाग के लोगों से क्या कुछ बात हुई है? स्वास्थ्य विभाग के किसी भी टीम से बात नहीं हो पाई है सर। यहाँ पे जो पुलिस कर्मी भी मौजूद है और कोरोना फाइटर भी जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो भी लगे हुए हैं। क्षेत्र के सभी लोगों को समझा रहे हैं घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें, अपना बचाव करें। तो ये जो नाकाबंदी कर दी गई है और ये जो वहां पर क्षेत्र को सील कर दिया गया है, ये तैयापुर गांव में किया गया है जी सर, यमुना पार के तैयापुर गांव में जी। गांव के अंदर ये सील किया गया है क्षेत्र 250 मीटर का, जो घर का एरिया है उससे 250 मीटर जी। इनका जो घर है वो एरिया सील किया गया। घर जो है वो गांव में है या गांव के सामने है कहीं रोड? गांव से थोड़ा सा बाहर है। गांव से थोड़ा सा बाहर है, गांव के बाहर है, गांव के सामने है एक तरह से, है ना जी। जो नई कॉलोनियां बनी हुई है उसमें। अच्छा। और ये जो महिला है वो आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में कार्यरत बताई गई है, और इनकी उम्र वगैरह कुछ बता सकते हैं? क्या सर, उम्र वगैरह की जानकारी हो पाई है क्या इनकी उम्र की? उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है। अच्छा, युवती है ये? जी युवती है, जो आगरा रेनबो हॉस्पिटल में काम करती थी जी। तो ये रहे हमारे साथी ललित उपाध्याय जो दे रहे थे जानकारी जमुनापुर के तैयापुर गांव के सामने आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में कार्यरत एक युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के वहां पहुंचकर उन्हें क्वारंटीन के लिए वृंदावन ले जाए जाने की और परिजनों को घर में ही क्वारंटीन किए जाने की, साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा युवती के मकान के आसपास के 250 मीटर के क्षेत्र को सील किए जाने की। यहाँ एक केस निकला कोरोना का, जो मतलब रेनबो हॉस्पिटल में लड़की वो काम करती थी पहले से, अब वो यहाँ आई है 2-3 दिन से, तो यहाँ उसे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसकी। उस घर में और 4 आदमी और हैं, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये पुलिस भी आ गई। हमारे ये पूरा क्षेत्र मतलब करीब 250 मीटर की दूरी पर पूरा क्षेत्र सील कर दिया है। सील कर दिया गया। हाँ, अच्छा, तो कितने दिन सील रहेगा ये सब? ये रहेगा सर 15 दिन के लिए करीब। अच्छा, और ये शासन का जो आदेश मिलेगा उसके? अच्छा। और ये और हमारी ये सिविल डिफेंस की मतलब लगे हुए वॉलेंटियर ये कार्य कर रहे हैं अपना, तो उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया, उनकी कोई व्यवस्था कराई गई है कोई कैसी भी? हाँ, उनकी व्यवस्था कराई गई है, एम्बुलेंस द्वारा वो गए थे और अभी हमारी पुलिस भी मतलब चौकी वाले और थाने वाले भी अभी उनके घर पर गए हुए हैं और उनसे वार्तालाप चल रहे हैं अभी, वो क्या व्यवस्था बनाते हैं।